Hi guys, this is Shivanshi and welcome back to my channel. So as promised, मैंने अपनी लास्ट अपलोड में आप सबसे बोला था कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने अभी जो रिसेंटली एक पार्टी फैमिली फंक्शन अटेंड किया था उसमें मैंने अपने विग के जो हेयर हैं उसमें मैंने कर्ल्स करवाए थे, तो वो किस तरीके से मैंने करवाए थे। मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा भी है कि विग में कर्ल्स कैसे करवाने हैं। सो यस, हेयर आई एम, आप सभी के उस सवाल का जवाब लेकर के मैं आप लोग के सामने आई हूँ। एंड आज का जो वीडियो होगा वो इसी पर ही होगा कि किस तरीके से मैंने अपने विग में कर्ल करवाया। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि सिंस मेरे खुद के कभी हेयर रहे नहीं हैं, इस वजह से आई हैव नेवर बीन इनटू दिस ऑल हेयर स्टाइलिंग थिंग लाइक एवर। जब थे भी उस समय भी मैं आई थिंक इफ आई रिमेम्बर मैं सिर्फ ट्रिमिंग या यू नो चॉपिंग वगैरह यही सब करवाती थी। ज़्यादा मैंने कभी कोई भी स्टाइल में नहीं उस तरीके से वेयर कर पाई एवर। लाइक सिर्फ एक यू शेप एंड एक डीप यू शेप ही मैं अपने हेयर को दे पाती थी। इसके अलावा जो मेरे खुद के बाल थे, मैं तब की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे मैं सिर्फ यही दो हेयर स्टाइल ही वेयर कर पाती थी और इसके अलावा मैंने कोई हेयर स्टाइल या कोई भी तरीके का नया एक्सपेरिमेंट मैंने अपने कभी बालों पे मैं ट्राई नहीं कर पाई। सो कर्लिंग वॉज एंड एब्सोल्यूटली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी डेफिनेटली, बिकॉज क्योंकि ये मैं पहली बार भी करवाने वाली थी। एंड सेकेंडली सबसे बड़ी बात कि ये मैं अपने जो मेरी ये विग है फुल हेड ह्यूमन हेयर विग, मैं इस पर करवाने वाली थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मेरे लिए एक्साइटिंग भी था। बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर एक डर बैठा हुआ था कि कहीं मेरे जो विग के बाल हैं वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता अगर मेरे विग के जो बाल हैं वो कुछ उनमें गड़बड़ हो। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं बहुत ही पर्टिकुलर रहती हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के, स्पेशली यू नो एज फार एज माई विग इज़ कंसर्न्ड। सो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मुझे कौन सी हेयर स्टाइल यू नो अपनी जो मैरिज था, मेरा घर में फंक्शन था, मैरिज फंक्शन, उसमें मुझे कौन सी हेयर स्टाइल लेनी है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटफिट मैंने एक साड़ी पहनी थी, यहाँ पे कहीं मैं एक पिक्चर पोस्ट कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो इस तरीके जो ये साड़ी मैंने यू नो ऑप्ट की थी कि मुझे ये पहननी, तो इसके ऊपर मैंने सोचा था कि मैं कर्ल करवा लूँगी। तो इसमें जो मेरा डिसीजन था कर्लिंग का, सबसे पहली बात ये इतना अच्छा नहीं बैठा, आई वुड से बिल्कुल भी अच्छा नहीं बैठा। रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। बट सबसे पहले अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे कर्ल करवाने हैं, तो फिर मैंने ये चीज़ सोची कि मैं कर्ल कहाँ करवाऊँ। लोकल जो पार्लर्स होते हैं उनमें मैंने ट्राई किया था, तो वहाँ पे वो लोग यू नो ऑल्दो उनका जो यू नो वो रहता है, जब वो ट्रेनिंग पर होते हैं तो वो डमी के ऊपर ही हेयर स्टाइलिंग जो होती है वो विग के ऊपर ही करते हैं। बट पता नहीं क्यों मैनी एंड आई वुड से रिनाउंड पार्लर नेम्स जो मैं नहीं लूँगी, बट वहाँ पे मैं गई थी तो देवर से कि आप जहाँ पे अपने यू नो विग के टेक्नीशियंस हैं, विग के जिनको हैंडल करना आता हो, आप उनके पास ही जाइए क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ उनको है उस चीज़ में, हम इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, मे भी हो सकता है कि आपके बाल फिर ख़राब हो जाए, तो आपका ये जो इतना महंगा सिस्टम है ये फिर बेकार चला जाएगा। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से मैंने अपने ही सिटी लखनऊ में एक जगह पर मैंने कॉल किया। वहाँ पे हेयर स्टाइलिंग होती नहीं है, बट सिंस मैंने उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया इस वक्त, तब जाकर के वो इस चीज़ के लिए रेडी हुए थे और मैं उनके पास फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी। और घर से थोड़ा सा दूर पड़ा था मुझे, बट बिकॉज इट हैज़ टू बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, इसलिए आप सबके लिए ये भी मैंने किया। तो मैं वहाँ पर जब गई थी तो उससे मैंने एक दिन पहले ही बात कर ली थी कि मुझे क्या क्या यू नो करके आना होगा, तो उन्होंने कहा था आप हेड वॉश करके हेयर वॉश करके आइएगा, अपने जो विग है उसको वॉश करके आइएगा। बट सिंस मुझे आप लोगों को तो पता ही है कि क्या इंसिडेंट हुआ था मेरी विग के साथ, उसके बाद से मैंने एकदम यू नो कहते हैं ना कि
गांठ बांध ली थी, कसम खा ली थी, या वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, बट मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर पे बिग वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को एकदम सही तरीके से नहीं बताया जाता है, सही गाइडेंस नहीं दी जाती है। तो मुझे ये फील हुआ था कि जो पहला इंसिडेंट था वो इसी की वजह से हुआ था कि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली थी, इस वजह से मैंने उन लोगों से ये बात बोली थी कि मैं विग अपने आप वॉश नहीं करूँगी, आप लोग प्लीज़ अगर मेरे स्टाइलिंग बोल रहे हो तो आप मेरी विग वॉश भी कर देना। अगेन वो दोज पीपल वर नॉट इन टू दिस थिंग, उनका काम ये नहीं था, बट अगेन आई रिक्वेस्टेड देम, तो उन्होंने मेरी विग को वॉश भी किया वहाँ पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये वाला जो वीडियो आज का है मेरा, ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है आप तक की यू नो पहुँचाना, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था मेरा जब मैं विग धुलवा रही थी उस टाइम पे, जो मैंने फील किया और जो चीज़ें मुझे वहाँ पर जो उनके वर्कर्स हैं उन्होंने बताया, सो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे एकदम शॉक्ड कर गई, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ विच जो पहला इंसिडेंट मेरी विक के साथ हुआ था उसमें से कई सारे रीजंस मुझे मिल गए थे वहीं पर देर एंड देन जब मैं अपनी विक को वॉश करवा रही थी। तो कर्ल करवाने से पहले मुझे करने थे अपनी विक के हेयर को वॉश, तो मैंने उनको वहाँ पर वॉश भी करवाया। अभी मैं आप लोग को वो वीडियो दिखाऊंगी, आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यूएशन में। सो विक को मैंने किस तरीके से वॉश करवाया, उसमें शैम्पू लगा, कंडीशनर, नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर ही यूज़ होते हैं, एंड उसके बाद उन्होंने कंडीशनर को लगा करके 5 मिनट के लिए विक में रखा भी था। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता हो थी कि उसमें यू नो सॉफ्टनेस आती है, किस तरीके से उन्हें विक को यू नो किस तरीके से उन्होंने उसको डिटैंगल किया, एंड मैं होती तो मैं उस स्टेट में एकदम पैनिक कर गई थी, मैं उनसे ये भी कहती कि भैया क्या ये नॉर्मल है, क्या ये नॉर्मल है, एंड दे वर लाइक कंसोलिंग मी कॉन्स्टेंटली कि मैम ये नॉर्मल है, नॉन नॉर्मल है, आप प्लीज़ पैनिक मत होइए, अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से ये पूरी यू नो बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएगी। तो उस तरीके से मैं देखती गई तो देन एट लास्ट मैंने देखा कि जो है मेरी विग जो है बहुत अच्छी यू नो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी एंड बहुत प्यारी हो गई थी, एकदम खुले खुले जैसे शैम्पू में के बाद और कंडीशनर के बाद बाल हो जाते ना, बिल्कुल वैसी हो गई थी। टच वुड, आई वॉज लविंग द टेक्स्चर ऑफ माई विग दैट टाइम। वो ये जो है मैं बताऊँ तो ये आज से 10 दिन पुरानी बात है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये विग में मेरी शाइन है ना, ये उसी की वजह से है कि मेरे विग इस समय वॉश्ड है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, और इसमें हेयर स्टाइलिंग बहुत आसान तरीके से हो पा रही है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी, एंड मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड भी करूँगी कि अगर आपकी विग यू नो बहुत लंबे समय के लिए आपने वेयर करी हुई है, 1 महीना 15 दिन, वैसे तो उन्होंने मुझे 15 दिन रिकमेंड किए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बाल आप गंदे रखोगे उतने ज़्यादा वो अंदर टैंगल्ड अप होते जाएंगे, यू विल नेवर कम टू नो, जब वो आप वॉश करोगे तब वो उतना ही ज़्यादा हेयर फॉल होगा। सो दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप, प्लीज़ नोट डाउन समवेयर कि विक को हर 15 to 20 days पे आपको वॉश करना ही है, या तो खुद से करिए या तो बाहर से करवा लीजिए। ओके, कमिंग टू द वीडियो जो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड किया था, मैंने उन दोनों टेक्नीशियंस उन दोनों वर्कर्स का मैंने वीडियो नहीं लिया था, मैं वीडियो इन द सेंस मैंने उनको कैमरा में कैप्चर नहीं किया था, बट उनका जो भी वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहे थे, काम पूरा कर रहे थे, मेरी विक को वॉश कर रहे थे, वो सब चीज़ें मैंने कैप्चर करी हैं, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, एंड लास्ट मैंने उसको किस तरीके से उन्होंने ड्राई भी किया है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब आप लोग देखिए कि क्या हुआ और किस तरीके से हुई मेरी विग वॉश। ऑल राइट, सो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मेरी जो विग है उसको वेट किया जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एंड उसके बाद इन्होंने एक शैम्पू लिया था, शैम्पू ये कोई सा भी आप ले सकते हो, नॉर्मल जो आप अपना हेयर वॉश करते हो वो शैम्पू भी इसमें चल जाएगा। तो आप इस तरीके से एक वेसल में आप शैम्पू ले लीजिए, कम से कम 7 से 8 पंप शैम्पू के आप लीजिएगा ही, एंड उसको अच्छे से पानी में यू नो डाइल्यूट कर लीजिएगा, डायरेक्टली पोर मत कीजिएगा शैम्पू को अपने विक के हेयर पर, जस्ट लाइक अपने आप नॉर्मल यू नो हेयर पर आप करते हो, आप डायरेक्टली शैम्पू नहीं लगाते हो बालों पे, आप थोड़ा सा उसमें पानी मिला करके थोड़ा सा डाइल्यूट करके आप तब शैम्पू को अप्लाई करते हो हेयर पे, ठीक उसी तरीके से सिमिलरली आपको अपने विक के हेयर के साथ भी करना है।
एंड जिस आपको जब आपने शैम्पू को डाइल्यूट कर लिया, देन उसके बाद आप हेयर पर पोर करेंगे. पोर करने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि अच्छे से जो शैम्पू है वो विक के हेयर के एक एक कॉर्नर पर बहुत अच्छे से लग जाए. ज़्यादा आप उसको ये मत करिएगा कि आप बालों में एकदम उसको बहुत ही ज़्यादा टैंगल अप कर दे रहे, तो ज़्यादा तोड़ मरोड़ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आफ्टर दैट अगर एक मिनट के बाद आप इस तरीके से स्क्वीज़ आउट करेंगे पानी को, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो भैया हैं ये कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने वीडियो आप लोगों के लिए शूट भी करी थी ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि किस तरीके से विक को वॉश करना है. इन केस अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड एडवाइज, आई वुड रिकमेंड कि आप घर पे ये चीज़ ना करें. अगर आपसे हो पा रहा है वेल एंड गुड, बट मुझसे नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियसली एक इंसिडेंट हो चुका था, एक मिस हैपनिंग हो चुकी थी मेरी विक के साथ, तो इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं बाहर ही विक को वॉश करवाऊँगी. और यहाँ पर थोड़ी सी लाइट कम लग रही थी, तो मैंने अपनी फ़ोन का जो कैमरा है उसकी मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली. तो ये देखिए किस तरीके से ये पूरा जो पानी है लेफ्ट, उसको ये स्क्वीज़ करके विक को उन्होंने पूरा स्क्वीज़ आउट कर लिया. एंड अब ये आप देख सकते हैं कि कम से कम इन्होंने 6-7 पंप इन्होंने कंडीशनर का लिया था, एंड काफ़ी ज़्यादा लिया था. आप देख सकते हैं पूरा इनका पाम जो है वो कंडीशनर से एकदम फिल हो चुका है. एंड नाउ ही इज़ रबिंग द कंडीशनर. बहुत अच्छे से ये दोनों अपने पाम्स में कंडीशनर को रब कर रहे हैं. एंड दिस वे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कंडीशनर को लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. शैम्पू भी इन्होंने इसी तरीके से अप्लाई किया था, एंड कंडीशनर भी सिमिलरली सेम वे में ये अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. थोड़ा सा कंडीशनर उनको और ज़रूरत पड़ी थी, मुझे भी लग रहा था क्योंकि मैं वहाँ खड़ी थी, तो टिप्स की तरफ जो है कंडीशनर की थोड़ी सी मुझे रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगी थी. एंड आफ्टर दैट इन्होंने मुझे बताया था कि ये कंडीशनर 10 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे. एंड 10 मिनट के बाद इन्होंने विक को जब खोला, एंड वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुके थे बाल, जिस तरीके से हम लोग के नॉर्मल जो हेयर होते हैं वो हो जाते हैं सॉफ्ट, एकदम सिल्की सॉफ्ट, उसी तरीके से विक के जो हेयर हैं वो भी बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट हो गए थे. एंड आप प्रोसेस आप देख लो दोबारा से, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जिस तरीके से इन्होंने शैम्पू को वॉश किया था फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्क्वीज़ आउट करते हुए शैम्पू को, उसी तरीके से ये कंडीशनर को भी स्क्वीज़ आउट कर रहे हैं अपने हाथ से. एंड ये विक का जो कैप है उस तरफ भी इन्होंने कंडीशनर को देखा था कि वहाँ पर ना हो, तो उन्होंने विक की अपोजिट डायरेक्शन में भी पलट करके भी उसको वॉश किया था. एंड टॉप से बॉटम ये पूरा जा रहे हैं. ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, अदरवाइज फिर वो बाल जो हैं वो ऑब्वियसली टूटेंगे ही. तो यहाँ पर मुझसे, मैं आपको बता दूँ कि सिमिलर वे में मैंने तो नहीं धोया था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वॉश किया था जुलाई में, तो मैंने इस तरीके से वॉश नहीं किया था. जुलाई में भी नहीं, सॉरी अप्रैल में मैंने वॉश किया था इसे, 26th of April था. तो उस टाइम पर मुझे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, आप देख रहे हैं ना इनके एक भी, मतलब आई वुड रियली हैट्स ऑफ टू देम. इनको इतना ज़्यादा इस काम में इनको एक्सपर्टीज़ है कि ये जो है विक के जो बाल हैं वो जो दूसरे साइड है कैप का उस तरफ बिल्कुल भी नहीं आए थे. आई वॉज एक्चुअली वरीड अबाउट दिस, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसमें पूरे वो क्लटर अप हो गए थे, जो आपका क्राउन एरिया है वहाँ पर, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बट येस, बाल उलझ बहुत गंदी तरीके से गए थे. वो मुझसे कह भी रहे थे कि आपके सामने ही मैंने कितनी अच्छी तरीके से और कितनी बहुत ही मैंने पोलाइटली उन्होंने किया था. मेरे सामने ही की बात है ये, आप देख भी सकते हो, मैंने कैप्चर भी किया था और मैं आप तक की भी पहुँचा भी रही हूँ वीडियो. तो इन्होंने इतना पोलाइटली इतने अच्छे से करने के बावजूद ये थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा जो बाल हैं वो क्लटर्ड अप हो गए थे क्राउन एरिया में. अभी आप देखेंगे आगे चल करके ये काफ़ी ज़्यादा, जिस तरीके से हम लोग को शैम्पू निकालने में और कंडीशन निकालने में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से विग है, अभी ह्यूमन हेयर है, विग है मेरी, तो इस वजह से इसमें भी पानी के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रहा है. और इस तरीके से इन्होंने पूरी विग को बहुत अच्छे से वॉश करके एंड पानी इसका स्क्वीज़ करके, अच्छे से शैम्पू करके, अच्छे से कंडीशनर करके, अब ये जाएंगे इसको टावल की तरफ ले करके, इसको अच्छे से ये टावल में डैप डैप करके ये सुलझाएंगे ये ड्राई करेंगे. ये इसको जैसे एक हम लोग होता है ना कि ये मलेंगे नहीं,
एक होता नहीं कि हम लोग वो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ना कि पूरा इसमें कहीं पे भी वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि आपके बाल उलझे, तो ये डैब 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 ही काइंड ऑफ अ थिंग है। तो आप देख सकते हो कि बाल काफ़ी ज़्यादा उलझे हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मैंने अपने विक की ऐसी कंडीशन देखी थी तो मेरी लिटरली आई वॉज थोड़ा सा मैं पैनिक स्टेट में आ गई थी। बट वो कॉन्स्टेंटली मुझे समझा रहे थे कि मैम ये बहुत नॉर्मल है, अभी हम आपको बताएंगे दिखाएंगे किस तरीके से आपकी विक एकदम बहुत अच्छे से बाउंसी हो जाएगी और एकदम हम सुलझा के आपको दिखाते हैं। तो मुझे एक्चुअली ये जो स्टेट है, ये वाली स्टेट जो है मेरी विक की, ये स्टेट देख करके मुझे एकदम वही स्टेट फील हुई जो मैंने अप्रैल में जब मैंने विक अपनी वॉश की थी, तो कुछ ये इसी तरीके से हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड अप हो गए थे और यही स्टेट में देख करके ना एकदम पैनिक हो गई थी। तो यहाँ पर भैया जो है वो ले करके अब जा रहे हैं विक को, और ये सबसे पहले इन्होंने मुझे ये बात बताई थी, मेरे से जो गलती हुई थी, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करिए, मैं बीच बीच में बहुत सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती रहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोग सबके लिए जानने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने जो गलती करी थी, या फिर मुझे जब मैंने विक परचेज करी थी तो मुझे ये बताया गया था कि जो वेट बाल होते हैं ना तो उसी में ही आप कोम लगा दीजिए, अदरवाइज वो सूखने के बाद और ज़्यादा उलझ जाएंगे। बट यहाँ पर मैंने जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखा, वहाँ पर जब मैंने उनको भी वॉश करते हुए देखा था, तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बाल जो गीले थे उसी में ही वो कोमिंग कर रहे थे। ट्रस्ट मी, बहुत बाल निकलते हैं, आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। जब वे गीली होती है उस टाइम पे अगर आप अपने खुद के भी बाल को, गीले बालों को आप कोम करोगे जब वो गीले होते हैं तो ऑब्वियसली हेयर फॉल होता है। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, आफ्टर ऑल ह्यूमन हेयर है यार, ये सिंथेटिक हेयर नहीं है, ये ह्यूमन हेयर है। तो जिस तरीके से आप अपने नॉर्मल हेयर को ट्रीट करोगे वैसे तरीके से सेम सिमिलर वे में आपको इसको भी ट्रीट करना है। तो ये देखिए आप, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने टाल से पैड ड्राई किया, उसके बाद इन्होंने ये जो इनका हेयर ड्रायर है इससे इन्होंने जितना हो सकता था पहले ड्राई किया हेयर को, जो कैप है उसको इन्होंने अच्छे से थोड़ा सा मेरे ख्याल से 50 to 60% इन्होंने ड्राई कर लिया था। एंड आफ्टर दैट आप ये देख सकते हैं कि पैडल ब्रश की मदद से ये बहुत अच्छी तरीके से, देखिए अब यहाँ पर जो ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, ये ट्रस्ट मी ये इजी नहीं है। जब मैं इनको ये करते हुए देख रही थी, सोचिए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे ये तो धड़कन रुकी हुई थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि ये जो ये उधर से साइड पे जो ये हैं फीमेल जो इनकी एम्प्लॉई, इन्होंने किस बहुत तेज़ी से पकड़ा हुआ था मेरी विक को, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा शेडिंग हो जाएगी, बहुत मेरी विक तो खाली हो जाएगी एंड 50 to 60% हेयर फिर से निकल जाएंगे, मेरी विक में बाल ही नहीं बचेंगे। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने टाइल्स पे देखा तो हार्डली मेरे ख्याल से 50 हेयर भी नहीं होंगे। और जब आप वॉश करते हो इस तरह ऐसे ही नॉर्मल, और आप वेट बाल में अगर कोम करोगे तो आपके मान के चलो 200 से 300 बाल आपके टूट जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज़ लाइक एक बहुत ही बड़ा लॉस है वो। तो प्लीज़ इस तरह आप वो चीज़ मत करिएगा, रादर आप इस ये मेथड आप ट्राई करना। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने मेरे विक को इतना अच्छी तरीके से सुलझाया, एंड जैसे जैसे वो सुलझ रही थी मेरे चेहरे पे स्माइल वापस आ रही थी। एंड यस, ये एक फाइनल ये टचअप दे रहे हैं मेरे विक को, एंड आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी शाइन आई थी। ऑब्वियसली यार, बाल धुलने के बाद तो शाइन अच्छी आती है, कंडीशनर वगैरह हो चुका था, एंड ये फाइनली ये इसको बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ रही थी अपनी विग उस समय, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड ये रहा एकदम फाइनल टचअप जो वो मुझे वेयर करने से पहले इन्होंने ये इस तरीके से ये एकदम फाइनल लाइक 99 to 100% वाला जो होता है ना स्टेज, ये वो वाला था जिसमें ये फाइनल ड्रायर से ये ड्राई करके एंड थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करके, जैसे होता नहीं है, वैसे भी मेरी जो विग है के हेयर हैं वो स्ट्रेट ही हैं, सिल्की स्ट्रेट, तो उस वजह से उनको ज़्यादा इतने एफर्ट्स नहीं लग रहे थे। बट येस देन, क्योंकि हेयर थोड़ी सी विग जो कैप है वो वेट थी, तो इस वजह से इन्होंने ये प्रोसेस किया, एंड सी हाउ इट्स लुकिंग गॉर्जियस। सो येस, इस तरीके से जो आप देख रहे हो ना, मेरा जो लुक है वो विदाउट स्टाइलिंग ऐसा था। एंड उसके बाद जो मैंने उनसे बोला था कि आप प्लीज़ मेरे बालों को कर्ल कर दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया था वीडियो में, तो ये कर्लिंग हो रही है मेरे बालों की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मतलब इनको, इन्होंने कर्लिंग की तो बहुत अच्छी थी, लाइक कर्ल्स बहुत अच्छे निकल के आए थे, बट पता नहीं वो विद टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे,
तो इस वजह से मुझे ना बाद में मज़ा नहीं आई। तो इन्होंने को मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, लाइक आधा घंटा तो इनको 30-35 मिनट्स इनको लग गए थे कर्ल करने में। कर्ल्स अच्छे निकल करके आए थे, बट वो शायद सेटिंग स्प्रे की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया था। एंड अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना पोर्ट्रेट मोड में जो मैंने वीडियो लिया है, इसमें जो आप ये कर्ल्स देख रहे हो ना, ये मेरा राइट साइड है जहाँ से मैं फ़ोन पकड़ी हुई, तो ये जो कर्ल ये बहुत अच्छे तरीके से निकल गया। तो इसी तरीके से मेरे पूरे हेड में कर्ल्स थे, तो यस कर्ल्स तो उन्होंने बहुत अच्छे किए थे, नो डाउट। ये वाली जो पिक्चर है ये तब की है जब मैंने विग अप जो अपनी कर्ल्स हैं वो मैंने खोल दिए थे, बट आप देख सकते हो ना नीचे के साइड पे थोड़े थोड़े कर्ल्स हैं, बट ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ना इसी तरीके से कर्ल पूरे हेड में थे, तो वो अच्छे लग रहे थे। एंड ये ना मेरा पूरा लुक था उस दिन का मैरिज का, साड़ी वगैरह के लिए मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, एंड यस आई वॉज लिटरली हैप्पी। ऑल राइट, सो कमिंग टू द कर्लिंग पार्ट, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि किस तरह आप लोग ने देखा ही है कि विग वॉश होने के बाद कितनी बाउंसी और फ्लफी लग रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें बाउंस आ गया था हेयर में, जिस तरीके से नॉर्मल हेयर में बाउंस आ जाता है वो बहुत ही सिल्की स्मूथ हो जाते हैं, उस तरीके से मेरी विग में भी हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कर्लिंग का ऑप्शन मेरे को नहीं लेना चाहिए था, मुझे वही जो मेरा लुक था ना बाउंसी हेयर्स का, फ्रेश एकदम वॉश्ड वही वाला लुक मैं लेकर के चली जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये गलती मेरे से हुई थी, एंड उसमें सबसे बड़ा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि विग के जो बाल हैं जो लेंथ है वो इतनी लंबी नहीं थी। सो वहाँ पे जो वर्कर था उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी विग की लेंथ इतनी नहीं है तो हम आपके बालों को ज़्यादा कर्ल नहीं दे सकते हैं। बट पता नहीं मेरी कौन सी सनक सवार थी, आई थिंक मैंने कहीं शायद कहीं देखा था कि साड़ी के साथ वाला लुक बहुत अच्छा आ रहा था, तो इस वजह से आई ट्राइड जस्ट ट्राई टू कॉपी इट, बट यस सिंस आई डिडंट हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी हेयर स्टाइल बिफोर, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इतना अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ जितना कि मैंने अपने हेड में एक्सपेक्ट किया था और इमेजिन किया था। सो यस कर्लिंग इतना अच्छा हेयर स्टाइल नहीं रहा है। अगर आपके 24 इंचज है लेंथ आपके विग की, सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि डोंट गो फॉर कर्ल्स, बिकॉज कर्ल होने के बाद वो स्पाइरल होकर के थोड़ा सा उनकी जो अगर आपकी लेंथ इतनी है तो वो कर्ल होकर के इतनी चली जाएगी, सो वो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर मेरी लेंथ यहाँ तक की थी तो वो कर्ल होकर के यहाँ तक की आए थे, वो बिल्कुल गंदा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। एंड येस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी कि आपको एकदम भी अपने कर्ल्स पे, उन्होंने सेटिंग स्प्रे लगा दिया था तो दे हैव आज मी बिल्कुल उन्होंने मेरे दिमाग में फीड कर दिया था कि मैम आपको कोम नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको मत लगाइएगा, हमने सेटिंग्स पे डाल दिया है, आप चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए आपके कर्ल्स कहीं नहीं जाएंगे, बट आपको कोम नहीं लगाना है। सो फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे जैसे सेटिंग स्प्रे सेट हो रहा था वैसे वैसे मेरा जो विग का टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड लग रहा था, एंड मुझे वो चीज़ बहुत इरिटेट कर रही थी, एंड मुझे ऐसा मन कर रहा था कि बस कोम लगाऊं या फिर मैं उसमें पानी डाल करके कर्ल्स को खोल लूं, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम, मैं अगर आप लोग को बताऊं तो अगर मेरे पास इमेज होगी तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी, बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ ऐसा कैप्चर किया था, आई डोंट नो लाइक आई डोंट रिमेम्बर, आई सी टू इट। ओके तो हुआ यही था कि वो एकदम एकदम जम से रहे थे तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं क्या किया, मैंने मैं घर आई और मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया बिकॉज दे सेड कि विद टाइम कर्ल्स आपके बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, एंड दे विल लुक गॉर्जियस एंड अमेजिंग एंड ये एंड वो, है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो बिकॉज दैट वॉज इरिटेटिंग समवेयर इन माई ब्रेन, बहुत अजीब सा बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था, आई डोंट नो इट इज़ विद यू और नॉट, बट मेरे साथ ऐसा है कि कोई भी चीज़ ऐसे खटकती है ना मुझे आँखों से आँखों में तो मुझे मन करता है कि जस्ट टू ऑल्टर इट, टू चेंज इट, लाइक उस चीज़ को उस जैसा तो नहीं रखना है, और वो अगर मुझे खटक रही है तो वो औरों को भी खटकेगी। बट इस वॉज अ मैरिज फंक्शन, इतने सारे लोगों की गैदरिंग होने वाली थी, मैं उस तरीके के हेयर तो लेकर के डेफिनेटली पार्टी में नहीं जा सकती थी, तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने चला दिया कोम। मैंने जैसे ही कोम चलाना स्टार्ट हुआ कर्ल्स तो खुल रहे थे, दैट वॉज नॉट एन इशू, बट मेरी जो प्रॉब्लम थी ना वो चिपक रहे हैं आपस में, वो खुलना स्टार्ट हो गए,
तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने जैसे जैसे कॉम किया वैसे वैसे वो बहुत अच्छा सा उसमें वो बाउंस बैक आ गया, ठीक है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इस वजह से मैंने पूरे ही अपने जो हेयर थे उसमें सब में मैंने कॉम चला चला करके उसको, जितने कर्ल बचे थे आप जो इमेज देख रहे हैं ना यहाँ पर ये उतने, ये मेरे कॉम करने के बाद की इमेज है, ओके। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे होगे इधर, तो ये वाली जो इमेज है ना ये मेरे कॉम करने के बाद की इमेज है। उससे पहले जब उन्होंने बनाया था ना तो वो बहुत अच्छे कर्ल्स निकल के आए थे, ठीक है, बहुत अच्छे कर्ल्स निकल करके आए थे, बट वो शॉर्ट हेयर हो गया तो मुझे उस समय तो ठीक लग रहा था, बट वहाँ पर जो सेटिंग स्प्रे की वजह से कुछ प्रॉब्लम, पता नहीं क्या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, शायद सेटिंग स्प्रे से ही हुआ था या फिर उन्होंने जेल लगाया था कि बाल यू नो फ्रिजी फ्रिजी से हो रहे थे तो उसको सेट करने के लिए जेल लगाया था शायद, मे बी उस वजह से। तो यही दो पॉसिबल रीजंस हैं। एंड तो बस यही था कि मैंने अपने फिर कर्ल्स को मैंने खोल दिया एंड जितने भी थे उतने थे, एंड मैंने अच्छे से कॉम किया एंड आई वेंट फॉर द पार्टी। सो यस, हाँ यही था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है अभी तक की का, क्योंकि इसमें मैंने अभी को अपनी वॉश करवाई है, ऑफकोर्स आफ्टर द इंसिडेंट दैट आई हैव वेंट थ्रू, दैट माई विग हैज़ वेंट थ्रू। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप था, बहुत ही ज़्यादा मैंने गट्स और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मैंने मैं उन लोगों के पास गई थी अपने विग को लेकर के। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, लाइक मैंने अपने दिमाग में सारी चीज़ें सोच ली थी कि अगर मेरा विग खराब हुई तो मैं क्या करूँगी, फिर तुरंत मतलब सब कुछ मैंने प्लान आउट कर लिया था कि अगर खराब हुई तो मुझे तुरंत परचेज करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, तो मुझे पैनिक तो नहीं करना है अगर मेरी विग उस समय डिस्ट्रॉय भी हो जाती, तो मैं भले ही वो चीज़ उनके पास छोड़ देती और वो टाइम लेते इसको फिर से सही करने के लिए, वट एवर वो सोचते करने के लिए, बट मैं उस टाइम पे, मैं पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सब कुछ सोच के गई थी, सारे प्रोज एंड कॉन्स। तो यस, ये एक्सपीरियंस है, एंड अगर आप न्यू हैं इस चीज़ में तो आपको भी धीरे धीरे इवेंचुअली एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमंस हैं एंड वी यू नो लर्न बाय डूइंग। तो एक्सपीरियंस होता है तभी हम सीखते हैं, तो इस वजह से आपको इतना यू नो सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ गुजर रही है तो आप उससे लर्न करो, ओके। जस्ट द वे आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन यू नो दीज 10 months, लाइक आफ्टर 2 months इन अप्रैल मेरे को 1 साल हो जाएगा, एंड आई विल बी सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वो बहुत ही ज़्यादा एक मैं बहुत अच्छी वीडियो मैंने प्लान की हुई है आप लोगों के लिए, जब मुझे 1 साल हो जाएगा विग यूज़ करते हुए, दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू ऑल डेफिनेटली। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू विल हैव फाइंड माई टुडेज वीडियो वेरी लाइक हाईली इंफॉर्मेटिव, हाईली यू नो यूजफुल एंड हेल्पफुल। एंड इफ यू यू नो इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो कैन हेल्प अदर्स एज वेल, देन प्लीज यू नो टैप ऑन दैट शेयर आइकन एंड शेयर दिस वीडियो इन अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक व्हाट्सएप और यू नो फेसबुक और बीट इन इंस्टाग्राम डीएम टू योर फ्रेंड्स, हूज एवर यू थिंक दिस यू नो दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल टू। सो इसको शेयर कीजिएगा, बहुत सारे इसको लाइक दीजिएगा, एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि किस तरीके से आपको यू नो और भी अगर आपको कोई ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं कि आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड इन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ माई क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स, ओके। एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अस बींग ए यूट्यूबर, ओके। सो वी कैन नॉट जस्ट स्किप दिस, सो यू हैव टू टॉलरेट, एंड ऑफकोर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया लव यू ऑल, एंड जिन्होंने ये जो फ्री फंड में आकर के मेरी वीडियो देख करके जा रहे हैं ना, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ओके, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एंड ओके, अभी इतना इतना व्यूज आ रहा है बट सब्सक्राइबर्स देख लीजिए 326, लाइक अभी मैं वीडियो बना रही तो 326 इज द करेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एट माई चैनल इज हैविंग, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, ओके। प्लीज चैनल को यार कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स तो इसके पूरे करो, है ना। अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करोगे तब मैं सोचूंगी कि मैं आप लोग के लिए एक ऐसे वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं आप लोग को लेकर के जाऊंगी कि कहाँ से मैं दूसरी विग परचेज करूँ, तो वो सारी वीडियोस आप तक की आएंगी, बट वो तभी आएगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, ओनली देन। ये मेरा
आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कीप लविंग मी, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो एंड कीप कमिंग बैक। आई होप टू सी यू गाइस वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई एम सो सॉरी, नॉट कीपिंग वेल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू ऑल गाइज वेरी सून। बाय।